एक तरफ प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूल भवनों की मरम्मत और नए अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए करोड़ों रुपए फंड आवंटित कर रही है, वहीं पत्थलगांव विकासखंड मुख्यालय से सटे झक्कड़पुर के जंगलपारा प्राथमिक शाला भवन को जर्जर हालात में आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के शिक्षक भी भवन मरम्मत के लिए अधिकारियों से गुहार लगाकर अब थक चुके हैं। आखिरकार इस भवन का उपयोग करना खतरनाक हो गया है, तो शिक्षकों ने इस भवन का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। पिछले 4 वर्षों से अपने निजी राशि से किराए का भवन लेकर बच्चों को कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई करा रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला भवन की न सिर्फ दीवारों में दरारें हैं, बल्कि उसके छज्जे का प्लास्टर भी गिरना शुरू हो चुका है। हालांकि स्कूल में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी से लेकर सभी व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन समय के साथ स्कूल जर्जर होता चला गया। वहीं बारिश में पूरे भवन में पानी टपकने से भवन के हालात बद से बदतर होती चली गई। हालांकि बीओ विनोद पैकरा ने स्कूल भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने की बात कही है। दलदल है स्कूल पूरा, इसीलिए बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कभी बना नहीं रहे हैं, तो बोले कि तेरे घर में ही पढ़ाएंगे, तो किराया बोले किराया देते हैं, कहीं धीरे धीरे 2000 देते हैं। स्कूल जर्जर हो गया है, बैठने के लिए नहीं बनता है, पानी गिरता है तो पानी चूहता है। स्कूल की स्थिति अति जर्जर है, जहां बच्चों को बैठा के शिक्षा देना संभव नहीं हो पा रहे है। इस कारण से हमने लगभग 4 वर्ष 2021 से अपने पॉकेट के किराया से जो है ना शाला भवन किराए में लेकर के निजी भवन में संचालित कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री के दौरा होता है तब भी देते हैं, लिख के देते हैं, लेकिन कभी भी प्राथमिक शाला जंगल पर आकर स्कूल का कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो मौसम में पानी टपकता है और छत भी गिर रहा है, जिससे चलते कभी भी बड़ा घटना होने का संभावना है। इसके चलते हम लोग वहाँ पर कार्य अध्ययन नहीं करने देते हैं, इसके कारण से यहाँ बच्चों को किराए के मकान में 4 वर्षों से पढ़ाई के बाद में। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय जंगलपारा है, उसमें काफ़ी जर्जर भवन है, जर्जर भवन है, तो वहाँ पे क्लास लगाया नहीं जा रहा है, तो क्लास तो किसी किराए के मकान में लगाया जा रहा है। और इसके लिए इस्टीमेट बनवा के हम लोग भेज दिए हैं जिला कार्यालय को, जैसे स्वीकृत हो जाती है तब निर्माणाधीन चालू हो जाएगा।